हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड कार्पसल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में ह्यूमन ब्लड के फर्स्ट पार्ट में हमने प्लाज्मा की बात की थी। प्लाज्मा से आगे ब्लड कार्पसल्स को कंटिन्यू करते हैं। जो ब्लड कार्पसल्स हैं, ये ऐसी सेल है जो कि प्लाज्मा के अंदर, जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा के अंदर फ्रीली फ्लोट करती हुई मिलती हैं ब्लड कार्पसल्स। ये ब्लड का 40 to 45% फॉर्म करेंगी। जो परसेंटेज है ब्लड सेल की, उसे हम एक टर्म देते हैं, उसे नाम दिया जाता है हिमेटोक्रिट वैल्यू, या फिर और इसे हम बोल सकते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। नॉर्मल हिमेटोक्रिट वैल्यू है मैन के अंदर वो 40 to 45% है, और जो वुमेन है, फीमेल है, उसके अंदर ये 36% मिलेगी। बट ये एज लो एज 10% तक फॉल कर सकती है, और ये मैक्सिमम 80% तक राइज कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की डिजीज्ड कंडीशन ह्यूमन में प्रेजेंट है। इसे हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक ट्यूब के थ्रू मेजर कर सकते हैं, जिसका नाम है विंट्रोब्स ट्यूब। विंट्रोब्स ट्यूब के थ्रू हम जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है उसे मेजर कर सकते हैं। फिर ब्लड कार्पसल के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आरबीसी से। आरबीसी में, आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट ये ग्रीक वर्ड है, जिसके अंदर जो इरेथ्रोस है उसका मतलब है रेड, और जो काइटोस है उसका मतलब है सेल, रेड सेल। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पसल। अगर इसकी शेप की बात करें, हम आरबीसी के शेप की बात करें, तो जो आरबीसी का शेप है, मैमल्स को छोड़ के, कि एक्सेप्ट मैमल्स, मैमल्स के अलावा जितने भी वर्टिब्रेट हैं, कि मैमल्स को छोड़ दें तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनके केस में जो इरेथ्रोसाइट हैं वो ओवल, बाइकॉनवेक्स एंड न्यूक्लिएटेड मिलेंगी। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, कि कैमल एंड लामा के अंदर वर्टिब्रेट इनके जैसी ऐसी इरेथ्रोसाइट मिलती हैं। लेकिन जो कैमल और लामा के अलावा जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर जो मैच्योर इरेथ्रोसाइट है, हम बात करें मैच्योर इरेथ्रोसाइट की, मैच्योर इरेथ्रोसाइट मिलती हैं सर्क्युलर, बाइकॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। जो ये बाइकॉनकेव शेप है, ये बाइकॉनकेव शेप है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को बाइकॉनकेव शेप इंक्रीज करती है। दूसरी चीज, ये क्या फायदा देती है, कि जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजिबिलिटी को बढ़ाती है, कि इस बाइकॉनकेव शेप की वजह से ऑक्सीजन आराम से आरबीसी के अंदर डिफ्यूज कर सकती है। और जो नॉन न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ये जो अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस है, इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो इंक्रीज होगा, और इसी के साथ साथ कम वेट होने की वजह से जो इरेथ्रोसाइट है उसकी मोटिलिटी ज़्यादा होगी। कि भाई इरेथ्रोसाइट है, उसके अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो हीमोग्लोबिन को रहने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, ज़्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल आ सकते हैं। दूसरी बात, ये हल्की होगी तो इसकी मोटिलिटी भी ज़्यादा होगी। एक डिजीज होती है स्फीरोसाइटोसिस। जो स्फीरोसाइटोसिस है, इसके अंदर क्या होगा कि जो आरबीसी है वो अपनी इस बाइकॉनकेविटी, बाइकॉनकेव शेप को लूज कर देगी। माउस टीयर के अंदर जो आरबीसी है वो स्फेरिकल मिलती है, और सबसे छोटी आरबीसी भी इसी के अंदर मिलेगी,
और अगर हम बात करें लैम्प्रे की, तो लैम्प्रे के अंदर जो आरबीसी है वो इरेगुलर शेप की मिलती है। तो ये हमने बात की है आरबीसी के शेप के बारे में। फिर हम बात करते हैं आरबीसी की साइज की। आरबीसी के साइज की अगर हम बात करें तो इस तरीके से कुछ आरबीसी का स्ट्रक्चर दिखता है। ह्यूमन आरबीसी है वो नियर अबाउट 7.5 माइक्रोमीटर डायमीटर मिलेगा। इसकी थिकनेस अगर रिम पे देखें तो इसकी थिकनेस मिलती है 2 माइक्रोमीटर। अगर इसकी जो थिकनेस है वो सेंटर में देखें तो 1 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आरबीसी मिलती है सेलेमेंडर के अंदर, एम्फीबियन है उसके अंदर लार्जेस्ट आरबीसी मिलेगी 75 माइक्रोमीटर की, और सबसे स्मॉलेस्ट माउस टीयर के अंदर 2.5 माइक्रोमीटर की। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी मिलती है एलिफेंट में। जो नॉर्मल साइज की आरबीसी होती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉर्मोसाइट। अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से आरबीसी इस नॉर्मल साइज से बड़ी होगी तो उसे एक टर्म दिया जाएगा मैक्रोसाइट। अगर आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा नॉर्मल के कंपैरिजन में तो उसे नाम दिया जाएगा माइक्रोसाइट। फिर हम आरबीसी के नंबर की बात करें, अभी तक हमने शेप की बात की है, साइज की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं आरबीसी के नंबर की। तो जो नंबर ऑफ इरेथ्रोसाइट है वो अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग मिलेंगे, कि जो अलग अलग स्पीसीज है अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग नंबर मिलते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलती है। जो टोटल नंबर ऑफ आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, इसको हम बोलते हैं आरबीसी काउंट, कि पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में कितनी आरबीसी प्रेजेंट है उसे बोला जाता है आरबीसी काउंट। जो ये आरबीसी काउंट है ये मैन के केस में अलग होगा और जो वुमेन है उसके केस में अलग होगा। मैन के केस में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, मैन के केस में ये मिलता है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और वुमेन के केस में अगर हम बात करें तो इससे थोड़ा सा कम मिलेगा मैन के कंपैरिजन में, 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। जो आरबीसी का काउंट है कि ये पर माइक्रोलीटर आरबीसी के टोटल नंबर है, ये आरबीसी काउंट सबसे ज़्यादा मिलता है न्यूली बोर्न बेबी के अंदर, सबसे ज़्यादा मिलेगा। जो न्यूली बोर्न इन्फेंट है उनके अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इस आरबीसी काउंट को डिटरमाइन करने के लिए उसे हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर का हम यूज़ करते हैं आरबीसी काउंट को मेज़र करने के लिए। जो आरबीसी काउंट है ये आरबीसी काउंट कम हो सकता है कुछ कंडीशन में, जैसे कि हीमोरेजिक कंडीशन में, हीमोलाइसिस और एनीमिया की कंडीशन में। एनीमिया किसकी वजह से हो सकता है, कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड लॉस होने की वजह से हो सकता है, पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकता है, कैंसर पाइल्स, हीमोरेज, आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोलाइसिस की वजह से। और दो तरीके की जो आरबी ये एनीमिया है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया और एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया। जो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन
B12 या फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, और जो ए प्लास्टिक एनीमिया है वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के डिक्रीज होने की वजह से होगा बोन मैरो के अंदर। एनीमिया लीड्स टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीनिंग कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना बॉडी के टिश्यू के अंदर। अगर एनीमिया होगा, मतलब एनीमिया मतलब कि आरबीसी काउंट का डिक्रीज होना, आरबीसी काउंट कम हो गया तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी के टिश्यू के पास वो कम की जाएगी। जो आरबीसी काउंट है अगर वो बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाती है तो उसको हम एक टर्म देते हैं पोलीसाइथीमिया, कि अगर आरबीसी का काउंट है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल के कंपैरिजन में बढ़ गया तो उसे हम पोलीसाइथीमिया बोलेंगे। ये प्राइमरी पोलीसाइथीमिया भी होता है और ये सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया भी होता है। प्राइमरी पोलीसाइथीमिया ड्यू टू कैंसरस प्रोलीफरेशन ऑफ स्टेम सेल, कि जो स्टेम सेल है उनकी प्रोलीफरेशन कैंसर कंडीशन में, और सेकेंडरी कुछ डिजीज़ की वजह से जैसे कि फिजियोलॉजिकल स्टेट का चेंज होना और एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया होगा कि नंबर बढ़ जाते हैं। फिर नंबर के बाद हम अगर बात करें आरबीसी के बारे में तो कलर की बात करते हैं। हम कलर जो आरबीसी का है उसकी बात करें, अगर हम आरबीसी को सिंगली देखें, एक आरबीसी को उठा के देखेंगे तो वो हमें येलो कलर की दिखेगी, लेकिन अगर हम आरबीसी को बल्क में देखते हैं, ऐसे बल्क में बहुत सारी आरबीसी को देखते हैं तो ये हमें दिखती है रेड कलर की। रेड कलर की दिखेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने की वजह से बल्क ऑफ आरबीसी हमें रेड कलर का दिखता है, और एक अगर सिंगली वन आरबीसी को अगर हम देखें तो वो हमें येलो कलर की दिखेगी। आरबीसी की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक की फॉर्म में जुड़ जाते हैं और इस स्टैक को हम बोलते हैं रोलेक्स। आरबीसी रोलेक्स की फॉर्मेशन करती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर हम आरबीसी के स्ट्रक्चर की बात करें, एक एक करके हम आरबीसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। हम अगर आरबीसी के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ह्यूमन आरबीसी है वो बाउंडेड है बाय एन इलास्टिक सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि इसको नैरो कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज आउट या स्क्वीज इन करने में हेल्प करती है। जो आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन की उसके ऊपर ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर ब्लड ग्रुप के एंटीजन प्रेजेंट है। ब्लड ग्रुप एंटीजन इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट मिलेंगे, आरबीसी के सरफेस के ऊपर। इसका जो इनर सरफेस है उसके अंदर मिलता है स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन एक प्रोटीन है जिसकी वजह से इसकी बाइकोनकेव शेप है, क्योंकि ये हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड पे स्पेक्ट्रिन प्रोटीन मिलेगा जिसकी वजह से बाइकोनकेव शेप है इसकी। जो मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी के अंदर एक तो न्यूक्लियस एब्सेंट मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी कम मिलते हैं, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेंगे, राइबोसोम नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। इसके अलावा सेंट्रियोल्स भी नहीं मिलते तो ये डिवाइड भी नहीं कर सकती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि ये जो आरबीसी है वो लो कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन करेगी, मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ये कम करेगी, क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसी, और अगर आरबीसी ही इस ऑक्सीजन का यूज़ करने लगेगी तो फिर वो ट्रांसपोर्ट क्या करेगी। इसलिए जब ये आरबीसी बनाई गई तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी सोच समझ के ये बनाई गई कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगी। अगर ये ऑक्सीजन को खुद यूटिलाइज कर लेगी तो फिर ट्रांसपोर्ट क्या करेगी। इस वजह से जो जो कंपोनेंट ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन में काम आते हैं उन सारे कंपोनेंट को यहाँ से हटा दिया गया। फिर ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसकी स्पीड भी बड़ी होनी चाहिए, दैट्स वाई इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया। हीमोग्लोबिन ज़्यादा होना चाहिए इसलिए न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया गया। ऑक्सीजन की डिफ्यूजिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए जिस वजह से इसकी जो शेप है वो बाइकोनकेव शेप रखी गई। फिर इसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन है वो एक पर्पल कलर का आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है. पर्पल कलर्ड आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी. हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. ये चार हीम ग्रुप से बना है, चार हीम ग्रुप और एक ग्लोबिन प्रोटीन से. चार हीम ग्रुप प्लस एक ग्लोबिन प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन. जो ग्लोबिन है वो चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना है, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन. दो अल्फा चेन है, उसके अंदर 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हर एक चेन के अंदर, और बीटा चेन है इसके अंदर 146 हर एक चेन के अंदर. दो बीटा चेन है तो 146 इंटू टू, और दो अल्फा चेन है तो 141 इंटू टू अमाइनो एसिड. ग्लोबिन जो पार्ट है, ग्लोबिन प्रोटीन है, उसकी जो चार पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके अंदर प्रेजेंट होगा. एक जो आरबीसी है, एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. तो हम कंसिडर करते हैं कि जो ये आरबीसी है ये क्या है, एक लिविंग बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, लिविंग बैग है हीमोग्लोबिन के लिए. फिर जो ये हीम पार्ट है, ये हीम पार्ट, इसके सेंटर में आयरन प्रेजेंट होगा और पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है. जो ये पोरफायरिन रिंग है, ये पोरफायरिन रिंग चार पायरोल रिंग से मिलके बनी है, कि जब चार पायरोल रिंग और उनके बीच में आयरन जुड़ा हुआ मिलेगा तो एक पोरफायरिन बनेगा, और वो चार हीम ग्रुप की फॉर्मेशन, एक हीम ग्रुप की फॉर्मेशन करता है. और ऐसे चार हीम ग्रुप एक ग्लोबिन, जिसके अंदर चार पॉलीपेप्टाइड चेन है, मिलके एक हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करेगा. और आरबीसी के अंदर ऐसे 280 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम आरबीसी को क्या बोलते हैं? लिविंग बैग ऑफ हीमोग्लोबिन. अगर हम आरबीसी के ड्राई वेट की बात करें तो आरबीसी का ड्राई वेट का 95% हीमोग्लोबिन की वजह से होगा. एक टर्म आती है हीमोग्लोबिन काउंट. हीमोग्लोबिन काउंट मतलब कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोग्लोबिन काउंट, और इसे हम मेजर कर सकते हैं हीमोमीटर की हेल्प से. मेल और फीमेल में जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो अलग अलग होंगे. मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो 14.5 प्लस माइनस 2 की, माइनस 2 और प्लस 2, 12.5 से लेके ये 16.5 तक इसकी रेंज जा सकती है. ये है मेल के अंदर. फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो होता है 12+2 की, 10 to 14 मैक्सिमम और मिनिमम इसकी वैल्यू बता रखी है. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हीमोग्लोबिन काउंट होता है फिटस के अंदर. फिटस के अंदर अगर हम बात करें तो 23 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन काउंट. अगर हम लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी के बारे में बात करें कि आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होगी, देखो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की वजह से जो इसका लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट लिव्ड है, ये छोटा ही होगा. जो ओल्ड और वोर्न आउट, ओल्ड एंड वोर्न आउट आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी लीवर सेल से, स्प्लीन के अंदर और बोन मैरो के अंदर. ये जो वोर्न आउट आरबीसीज हैं ये डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलिसिस, कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट है उसे हम हीमोलाइसिस बोलेंगे. हीमोग्लोबिन है हीमोलाइज्ड एरिथ्रोसाइट का, कि जो आरबीसी है जो डिस्ट्रॉय की जा रही है उसका जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन को दूसरे आयरन कंटेनिंग कंपाउंड में चेंज कर दिया जाएगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? हीमोसिड्रिन नाम देते हैं. हीमोसिड्रिन के अंदर हीमोग्लोबिन को चेंज कर दिया जाएगा. इसके अलावा बिलीरुबिन में एंड बिलीवर्डिन में जो आयरन है, उस आयरन को
लीवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन स्टोर कर दिया जाएगा, ताकि जब बाद में फॉर्मेशन हो नई हीमोग्लोबिन की, तब इस फेरिटिन का रीयूज किया जा सके। जो बिलीवर्डीन है, बिलीरूबिन है, इन्हें फिकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। हर एक जो आरबीसी है, हर एक आरबीसी अपने पूरे लाइफ स्पैन में 50,000 सर्किट लेती है हमारी पूरी बॉडी के थ्रू। जो डिस्ट्रिक्शन रेट है आरबीसी की, वो है कि पर सेकंड 2.5 मिलियन आरबीसी पर सेकंड डिस्ट्रॉय की जाती हैं। और अगर पूरे हम दिन की बात करें, तो पूरे दिन में 5 × 10 की 11 आरबीसी पर डे डिस्ट्रॉय की जाएंगी, जो कि हमारे पूरे आरबीसी काउंट का 1% है। कि जितनी हमारी बॉडी में आरबीसी हैं, उस पूरे आरबीसी का 1% है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है पर डे। जो एवरेज लाइफ स्पेन है आरबीसी का, वो 115 to 120 डेज है। रैबिट के अंदर 50 to 70 डेज और फ्रॉग के अंदर 100 डेज। अब जो ये अगर ऐसे ही डिस्ट्रक्शन चलता रहेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस आरबीसी काउंट को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए आरबीसी की फॉर्मेशन भी जरूरी है। आरबीसी की फॉर्मेशन एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है, जिसे कि फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं आरबीसी की फॉर्मेशन को। ये मैंने अलग से वीडियो के अंदर, हीमोपोइसिस वाली वीडियो के अंदर अलग से एक्सप्लेन कर रखा है। जो फॉर्मेशन है रेड ब्लड सेल की, उसको इरेथ्रोपोइसिस बोलेंगे, और जिस ऑर्गन के अंदर ये बनेगी, उसे इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन बोलेंगे। 72 आवर्स लगते हैं आरबीसी की फॉर्मेशन में। इरेथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन है, जो कि आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, ये सभी चीज़ें ये आरबीसी की फॉर्मेशन में काम आती है। इसके अलावा हम फंक्शंस की बात करें कि आरबीसी के क्या फंक्शन होंगे, तो मेनली इसके दो फंक्शन हैं, तीन। एक तो ये बफर सिस्टम की तरह काम करती है। जो हीमोग्लोबिन है, वो बफर की तरह काम करेगा, तो जो प्लाज्मा का, ब्लड का पीएच है, उसे मेंटेन करने का काम करेगा। ये जो हीमोग्लोबिन है, वो 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एज कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 97% ऑफ ऑक्सीजन को, और 97% ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। 19.80 ml ऑफ O2 को ट्रांसपोर्ट करता है पर 100 ml ऑफ ब्लड थ्रू हीमोग्लोबिन। तो जो मेन फंक्शन है हीमोग्लोबिन का या आरबीसी का, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, O2, CO2, इनका ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा ये बफरिंग सिस्टम में भी काम करते हैं, पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये अभी तक हमने सारा पढ़ा, ये हमने इरेथ्रोसाइट के बारे में पढ़ा कि जो फोम डेलिमेंट हैं, ब्लड कार्पसल हैं, उनमें। आरबीसी के बारे में पढ़ा कि शेप कैसी होगी आरबीसी की, साइज क्या होगा, उसके नंबर कितने होते हैं, और कुछ टर्म जैसे पोलीसाइथीमिया, कलर कैसा होगा आरबीसी का, जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लाइफ स्पेन कितनी होती है, किस वजह से छोटी लाइफ स्पेन है, और फॉर्मेशन कैसे होती है आरबीसी की, फंक्शन क्या होते हैं आरबीसी के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और ल्यूकोसाइट की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।